हेलो गाइस, वेलकम बैक राज टेलर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नेहरू जैकेट की कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों, इसका मेजरमेंट देख लीजिए सबसे पहले। तो दोस्तों, 27.5 इंच लंबाई है और 36 इंच सीना है और 34 इंच पेट है और हिप का नाप नहीं है और इसमें तीरा 17.5 है। दोस्तों, इतने ही नाप हैं अपने पास, इससे ही अपने नेहरू जैकेट की कटिंग करेंगे। दोस्तों, मैं मेजरमेंट को साइड पर रख लेता हूँ। दोस्तों, ये प्रिंटेड कपड़ा है, प्रिंट वाला कपड़ा है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि प्रिंट आपका ऊपर की साइड में सही रहे, यानी कि जैसे कुछ में ऐसा कुछ डिजाइन बना होता है कि जो नीचे की साइड में दिखे तो गलत दिखता है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें डिजाइन कौन सा है और कैसे है। दोस्तों, इसमें नॉर्मल डिजाइन है, किसी भी हिसाब से कटिंग कर लो तो भी सही कटेगी जैकेट, यानी कि डिजाइन देखने में पता नहीं लगेगा। तो अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे किनार के साथ किनार को मिलाकर कपड़े को बिछा लिया है सही करते हुए। अब दोस्तों, एल स्केल की मदद से सबसे पहले मार्किंग करेंगे ऊपर की साइड में। लगभग 1 इंच कपड़ा ऊपर रखते हुए और ऐसे एक मार्क सीधा कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों, आपको लेंथ का मार्क करना है। 27.5 है तो 1/2 इंच प्लस करके आपको 28 इंच पे मार्क कर लेना है। और दोस्तों, नीचे फोल्डिंग के लिए आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच रख लिया। अब दोस्तों, सीने के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे। तो 36 इंच सीना है, 9 जगह 36, यानी कि सीने का चौथा हिस्सा 9 इंच। तो 9 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद में इस मार्के से आपको ऊपर से 16.5 और इस मार्के से आपको लगभग 7.5 या 8 इंच पे मार्क करना है वेस्ट यानी कि कमर के लिए। तो दोस्तों, ये मार्के लग जाने के बाद में इनको सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से इन मार्कों को सीधा कर लेना है। इसके बाद में बैक की शेप के लिए यहाँ पे अपने 1/2 इंच और यहाँ पे भी 1/2 इंच और यहाँ पे आपको 1.5 इंच और यहाँ पे 1/4 इंच पे मार्क करना है। अब दोस्तों, आपको इसका बैक के गले के लिए सीने का 12वां हिस्सा रखना है। तो यहाँ पे 36 सीने का 12वां हिस्सा बनता है 3 इंच। तो सिंपली यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर लूंगा और यहाँ पे आपको बैक को 1/4 इंच उठाना है इस तरीके से और ऐसे इसको राउंड कर लेना है। अब दोस्तों, देखिए बैक की शेप किस तरीके से करनी है। यहां से बिल्कुल सीधा, इसके बाद में शेप पट्टी का यूज करते हुए इसकी शेप कर लेनी है। इस तरीके से दोस्तों बैक की शेप करनी है। अब दोस्तों, इसका सीना है 36 इंच, तो यहाँ पे सिंपली सीने का चौथा हिस्सा 9 इंच और 1 इंच से अधिक। अब दोस्तों, वेस्ट का मार्क करेंगे 34.5, यानी कि 8.5 चौथा हिस्सा और 1 सूद ऊपर और 1 इंच इससे अधिक। अब दोस्तों, जितना यहाँ पे ऊपर मार्क किया है इतना ही यहाँ पे आपको हिप पे मार्क करना है। ये 10 इंच हुआ तो यहाँ पे भी सिंपली आपको 10 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब दोस्तों, इसका तीरा है 17.5 यहाँ पे हुआ और 1/2 इंच मार्जिन था। और दोस्तों, अब यहाँ से आपको इसको 1.5 इंच डाउन करना है। इस तरीके से दोस्तों ये मार्किंग हो जाएगी। अब दोस्तों, इस मार्के से आपको 1 से 1/2 इंच पीछे आना, तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच पीछे करते हुए ये मार्किंग कर ली। अब दोस्तों, शेप पट्टी की मदद से शेप करेंगे।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बैक की शेप होगी, इस तरीके से बैक की मार्किंग होगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको आर्म होल के लिए इस तरीके से राउंड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे बैक की पूरी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब मैं बैक की कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में फ्रंट पीस की कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बैक में एक्स्ट्रा कपड़ा रखता हूँ, तो उसके लिए मैं ये अलग से मार्क का लगा रहा हूँ। और दोस्तों इसमें साइड चाक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 इंच का मैं चाक खोलने वाला हूँ इसमें। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसकी जल्दी से कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में बैक पीस की कटिंग करना बताऊंगा। दोस्तों बैक पीस की कटिंग हो चुकी है, अब अपने इसके फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। तो वो कैसे करनी है आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों पहले इस पीस को ऐसे पलट लेना है, और दोस्तों ये जैसे कपड़ा फूल रहा है, अब इसको ऐसे कट करके सही कर लीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों पहले कट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से कपड़ा फूला नहीं रहे। अगर आपके पास प्रेस हो तो प्रेस लगाकर इसको पहले सही कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्किंग ऐसे लगा लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने एक मार्किंग लगा ली कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद में बैक पीस को इसके ऊपर रखते हुए मार्किंग पूरी करनी है। तो दोस्तों सिंपली आपको इस मार्किंग पे ऐसे एक निशान लगाना है और इन मार्कों को ऐसे सीधा करना है। दोस्तों इस साइड में इसी मार्कों को सीधा करना है, और इस साइड में फ्रंट की साइड में इससे 1.5 इंच नीचे करते हुए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब इन मार्कों को सीधा कर लेना है। दोस्तों इस मार्किंग को थोड़ी दूर ही खींचना है, क्योंकि बाद में बैग में शेप आएगी। तो अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से सीने के चौथे हिस्से पे मार्क करना है। 36 सीना है तो 9 इंच और 2.5 इंच इससे अधिक। ये दोस्तों फिटिंग जैकेट है इसलिए। अब दोस्तों यहाँ पे पेट का चौथा हिस्सा 8.5 और 1 सूत ऊपर और 2.5 इंच यहाँ पे भी लूजिंग आपको छोड़नी है। अब दोस्तों इसको नाप लेंगे, क्योंकि हिप का नाप नहीं है अपने पास। ये 11.5 हुआ, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली 11.5 रखना है और मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों जो इसका गला रखना है वो किस तरीके से रखना है देखिए। सीने का 12वां हिस्सा, 36 का सीने का 12वां हिस्सा हुआ 3 इंच और 1 इंच से अधिक। ठीक है दोस्तों, इसको नीचे की साइड से कैसे रखना है। सीने का 12वां हिस्सा और 1/2 इंच से अधिक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको इसकी मार्किंग करनी है। अब दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे 3.5 है, तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच काम करते हुए रखना है 3 इंच पे इस तरीके से। अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। इस तरीके से और यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे, और इसके बाद में इसका ऐसे राउंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये जैकेट का गला रखा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसे 1/2 इंच शेप कर लेनी है, और यहाँ पे जो ठुक्का बनेगा उसके लिए आपको
सवा इंच पे एक मार्क कर लेना है ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से कुछ का बन जाएगा। और दोस्तों शेप फटी की मदद से आपको ये फ्रंट की साइड की ऐसे शेप कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब इसका कंधी कैसे रखनी है, इस पीस को ऐसे यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे इसे आधा इंच पीछे करते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से पौने दो इंच नीचे करते हुए मार्किंग करनी है इस तरीके से। और दोस्तों इस मार्किंग से आपको डेढ़ इंच अंदर की साइड में एक मार्किंग करनी है जैकेट की तख्ती के लिए। आप चाहें तो इस मार्किंग को ऐसे सीधा कर सकते हो और इसके बाद में आपको शेप फिटी की मदद से ऐसे शेप कर लेनी है। यहाँ पे इस तरीके रखा और ऐसे इसको मिला दिया। अब दोस्तों इसका आर्म होल कुछ इस तरीके से राउंड करना है इस तरीके से। और दोस्तों नीचे की अब शेप अपने कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और इस लाइन को भी यहाँ पे ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद में आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे ऐसे शेप हड्डी रखनी है और यहाँ पे ऐसे मिला लेना है। इसको भी ऐसे मिला लेना है दोस्तों। शेप इस तरीके से नीचे जैकेट में रहती है। अब दोस्तों जैकेट की लंबाई अपने 27 इंच थी तो इसका तीसरे हिस्से पे पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैकेट 27.5 थी तो यहाँ पे 9 इंच 200 पे अपने मार्का करेंगे। अब इस मार्के को ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे आपको इस साइड से आपको सिंपली 2.25 इंच छोड़ लेना है और इसके बाद में 5.5 इंच का ऐसे ये मार्क कर लेना है। 5.5 इंच की इसकी पॉकेट चौड़ी रहेगी। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से 1.5 इंच छोड़ना है और 4.25 इंच की पॉकेट के लिए मार्क कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से ऊपर वेल्ट पॉकेट आ जाएगी इसके। तो दोस्तों जैकेट के फ्रंट की पूरी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग करके और इससे पहले आपको इसके बटन लगाकर बता देता हूँ। दोस्तों इस मार्के से आपको 1.5 इंच नीचे करते हुए फर्स्ट बटन लगा लेना है। आप चाहे तो पॉकेट के बराबर भी लगा सकते हो। और दोस्तों ऊपर से आपको ठुके से 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे एक बटन लगा लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों आपको इसको नाप लेना है ये कितना हुआ 15.5 यानी कि 7.25। यहाँ पे एक बटन आ जाएगा और ठीक है इनको डिवाइड करते हुए बटन आ जाएगा 4 इंच से 1 फुट कम और 4 इंच से 1 फुट कम यहाँ पे भी बटन आ जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से जैकेट में बटन आ जाएंगे। अब इसकी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है, इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो दोस्तों नेहरू जैकेट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया आपको सिखाएंगे।